चलें अभी सब लोग बाकी भी आ गए मेरे ख्याल हम शुरू करते हैं। अच्छा जी फर्स्ट वाला जो है he everywhere looked in order to search for his lost book. He looked in order to search for his lost book everywhere. He looked everywhere in अच्छा अभी इसके अंदर क्या है हमने everywhere जो है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. Everywhere is an adverb of place. ठीक है एडवर्ब ऑफ प्लेस की पोजीशन चेंज हो रही है डिफरेंट जगहों के ऊपर ना डिफरेंट सेंटेंसेस में. पहले में वर्ब से पहले लगा हुआ है लुक्स ये बेसिकली लुक्ड से पहले लगा हुआ है. He looked everywhere in, अच्छा एवरीवेयर जो है ये वर्ब के साथ है बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम वर्ब के बाद यूज करते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो वर्ब के नॉर्मल इसकी पोजीशन जो होती है कि वो एंड पे जाता है अगर उसके बाद कोई फ्रेज लगी. He looked everywhere. Looked के साथ है क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वर्ब के साथ आएगा ये जो है. ठीक है अभी इन ऑर्डर टू सर्च फॉर इज लॉस्ट बुक ये एक फ्रेज है. ठीक है ये जो फ्रेज है ये आपकी इसके बाद आएगी. पहले एडवर्ब आता है उसके बाद फ्रेज आती है. सिंपल आप ये याद रख लें कि लुक्ड वर्ब है वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर है तो लुक्ड के बाद इसकी पोजीशन आएगी. अगर इसको आगे पीछे कर देंगे तो गलत हो जाएगा. तो क्या सेंटेंस बनेगा ही लुक्ड एवरीवेयर नंबर सी जो है चार्ली ही लुक्ड एवरीवेयर इन ऑर्डर टू सर्च फॉर हिज लॉस्ट पॉकेट बुक. ठीक हो गया ही लुक एवरीवेयर नहीं हो सकता अगर लुक्स लगाए तो फिर तो ठीक है लेकिन लुक बेसिकली इसमें तो टेंस की गलती जो डेल्टा वाला है ना इसमें टेंस की गलती है. ई के साथ अगर आप प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो फिर लुक नहीं आएगा लुक्स आएगा. ठीक और जो ए में लिखा हुआ ही एवरीवेयर लुक्ड इन ऑर्डर एवरीवेयर वर्ब से जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो वर्ब से पहले नहीं आ सकता. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है नेवर ऑलवेज यूजुअली फ्रीक्वेंटली रेयरली वो आपका वर्ब से पहले आ सकता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर देयर एवरीवेयर बैक फ्रंट या इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो प्लेस को शो करते हैं वो आपके वर्ब से पहले कभी भी नहीं आते. ठीक है ओके जी सेकंड वाला देखते हैं. आई कंकर विद यू क्वाइट ऑन दिस मैटर. अच्छा इसमें बताएं जी आपके माइंड में क्या क्या एक चारों को पढ़े सेंटेंसेस को आप मुझे पहले अपना वो दे पढ़ लें जरा एक नजर. I concur with you quite on this matter. I quite concur का मतलब agree होता है. I agree with you. I quite agree with you on this matter. I quite concur with you. I quite ये quiet है basically. अच्छा इसमें दो तो बिल्कुल दो एक दो आसानी से आप वो कर सकते हैं यानी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. जो चार्ली वाला दिया हुआ है ना आई क्वाइट कंकर्स एस लगा एस तो लगता नहीं आई के साथ ये तो गलत हो गया ना. आखिरी वाला जो दिया हुआ है आई क्वाइट ये स्पेलिंग क्वाइट की गलत है. ऊपर वाला उसको हम क्वाइट पढ़ते हैं नीचे वाले को क्वाइट पढ़ते हैं. क्वाइट का मतलब होता है खामोश होना जी सब कहते हैं ना कि क्वाइट क्वाइट नहीं होता बेसिकली क्वाइट होता है. तो ये क्वाइट आई ई टी वाला होता है खामोश होने वाला ये तो नहीं आएगा. So, आपके पास ऑप्शंस कौन से रहेंगे? I concur with you quite on this matter, Alpha. I quite concur with you. अच्छा इसमें ये आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है. एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो आपके वर्ब से पहले आ सकता है या वो आपका एडजेक्टिव पहले आता है या आपका वर्ब से पहले आता है. आई क्वाइट अग्री आई पार्शली अग्री विद यू आई कंप्लीटली अग्री विद यू. अच्छा इसमें क्वाइट या पार्शली या कंप्लीटली ये आपके एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री जो आपको ये शो करते हैं कि किस हद तक आप अग्री करते हैं जो ये शो करें कि किस हद तक है कोई चीज कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर. क्वाइट का मतलब बिल्कुल और पार्शली का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत आधा आधा एग्री कर दिया. तो ये अग्री करने की डिग्री बता रहे हैं कि किस हद तक अग्री करते हैं तो इनको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो आपका वर्ब होता है. ठीक है जी एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ब से पहले होता है
जी एडवर्ब ऑफ डिग्री पहले यूज होता है और ये एडजेक्टिव से पहले भी यूज होता है, ठीक है, यानी दो यूजेज होते हैं, या तो ये एडजेक्टिव से पहले यूज होता है या आपका वर्ब से पहले यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एडजेक्टिव कैसे होता है, जैसे आप कहते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, तो अभी मैंने उसको बाहर रख दिया। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है, क्वाइट, वेरी, कंप्लीटली, एब्सोल्यूटली, टू, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ये दो तरह से यूज होते हैं, या आपके वर्ब से पहले यूज होते हैं या आपके एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं, ठीक है। वर्ब से पहले तो ये, जैसे ये सेंटेंस है, एडजेक्टिव से पहले कैसे यूज होते हैं, जैसे आप कहते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, फिर आप कहते हैं ही इज टू अपसेट, अपसेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले टू यूज हो रहा है, ये एडवर्ब कितना अपसेट है, आई एम एक्सट्रीमली कंफ्यूज, आप कहते हैं एक्सट्रीमली, यहां पे ये शो करता है कि कितना ज्यादा कंफ्यूज, ठीक है, आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज, आप कह सकते हैं आई एम अ बिट कंफ्यूज, अ बिट कंफ्यूज, अभी किसको शो करता है कितना कंफ्यूज, उसकी डिग्री क्या है, ठीक है। सो वेरी, टू, एब्सोल्यूटली, या ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ये या वर्ब से पहले यूज होते हैं या एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं और एडवर्ब से पहले भी यूज होते हैं, लाइक आप कहते हैं वॉक्स वेरी स्लोली, स्लोली तो एडवर्ब है ऑलरेडी, स्लोली इज एन एडवर्ब, अगर आप वेरी लगा लेंगे तो वेरी आपको एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, स्लोली की डिग्री बता रहा है कि कितना ज्यादा स्लोली, ठीक है, ही वॉक्स टू स्लोली, ही वॉक्स वेरी स्लोली। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में हमने क्या याद रखना है, इसकी पोजिशन क्या होती है, या ये वर्ब से पहले यूज होता है या आपका एडजेक्टिव से पहले यूज होता है या आपका एडवर्ब से पहले, यानी जिसको ये क्वालिफाई कर रहा हो उससे पहले यूज होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री तीन चीजों को क्वालिफाई कर सकता है, या ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ये जिस चीज को क्वालिफाई कर रहा हो, यानी जिस चीज के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो, उससे पहले लगाना है आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री को, ठीक है। अभी इसमें आप ये देखिए, क्वाइट जो है ये किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, कंकर को, कंकर का मतलब होता है अग्री करना, तो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके साथ पहले यूज हो, ठीक है। They had to often go to high court. They had often to go to high court. They had to go to high court often. इसमें क्या सही होगा? कि often, usually, sometimes, ये सारे होते हैं आपके adverb of, इनको हम कहते हैं adverb of frequency, जो ये show करते हैं कि कोई काम कितनी दफा हो रहा है, ठीक है। तो adverb of frequency दो तीन जगहों पे यूज हो सकते हैं। कहाँ पे? पहली बात है, आप इसको यूज कर सकते हैं, एक नंबर भी यानी वर्ब से पहले यूज होता है, दे ऑफन हैड टू गो टू हाई कोर्ट, एक ये वाला सही है, दे हैड टू गो टू हाई कोर्ट ऑफन, ये वाला भी सही है, जो लास्ट वाला है यानी आप इसको एंड पे भी यूज कर सकते हैं और इसको आप वर्ब से पहले भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं आप इसको, दे ऑफन हैड टू गो टू हाई कोर्ट या दे हैड टू गो टू हाई कोर्ट ऑफन, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन इसकी नॉर्मल पोजीशन ये होती है कि आपका ये ऑफन आपका वर्ब से पहले यूज होता है, ठीक है। जो बी वाला है ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन ये डी वाला भी सही है। आगे चलते हैं, दे यूज टू ऑलवेज क्वरल विद ईच अदर, इसमें बताइए कौन सा सही लगता है आपको? जी कौन बताएगा? चारों पढ़ के मुझे बताएं कौन सा सही लग रहा है आपको। सब क्वारल वाला पूछ रहे हैं आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही, कौन बताएगा इसका? फोर्थ वाला है ना, मतलब they used to quarrel with each other.
अच्छा, दे ऑलवेज नहीं, यूज टू नहीं आए, एस नहीं आएगा, यूज्ड आएगा, ईडी ईडी वही बोल रही हूँ जी, दे यूज्ड टू ऑलवेज क्वारल विद ईच अदर, इसमें आएगा नंबर सी चार्ली जो है। अच्छा देखें, मैं दोबारा बताता हूं आपको, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी बेसिक पोजीशन ये है, यूजुअल आम पोजीशन इसकी ये है कि आप इसको सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर जैसे यूज होता है, दे ऑफन, ऊपर में भी देखें, दे ऑफन हैड टू गो टू हाई कोर्ट, ऑफन जहां पे हमने यूज किया, इसी तरह से दे ऑलवेज यूज्ड टू क्वरल विद ईच अदर, ये वाला भी इसी तरह से है सी, यानी यूज टू से पहले आपने ऑलवेज यूज किया। तो अक्सर ये क्या होता है, अगर यानी सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, ये जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ऑलवेज, यूजली, ऑफन या इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ओके। ये यूज टू, हैड टू के पहले यूज होते हैं, लेकिन अगर वैसे एक बात आपने और समझनी है, जो बेसिक में दोबारा आपको रिपीट करो तो आप लिखना पड़ेगा आपको, आप एक सेंटेंस, दो तीन सेंटेंसेस लिखें, आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सही यूज समझ आएगा। आप लिखें, आई ऑलवेज वर्क हार्ड, यू लिख लें, आई ऑलवेज वर्क ऑनेस्टली, कुछ लिख लें। अच्छा, दूसरा सेंटेंस लिखें, He frequently visits us. तीसरा सेंटेंस लिखें, I never met him. अभी आगे लिखें सेंटेंसेस, आप लिखें, I am always working late. I am always staying up late. यूं लिख लें, I am always staying up late. STAYING, staying up late. अच्छा, दूसरा लिखें, दूसरा सेंटेंस लिखें, He does not frequently visit us. तीसरा सेंटेंस लिखें, दूसरा हो गया, he does not frequently visit us, तीसरा सेंटेंस लिखें, I have never met him. अभी आप ये देखें, ये जो आमने ये छह सेंटेंसेस आपने लिखे हैं, तीन में और ये अगली आखिरी वाली तीन एग्जांपल जो मैंने लिखवाई आपको, इसमें और पहले वाली तीन में एक बुनियादी फर्क है, वो क्या है, पहले वाली तीन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं टेंसेस के जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ वर्ब लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। तो अगर सिर्फ वर्ब यूज हो रहा हो, सिर्फ वर्ब हो वहां पे हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो हम जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनको सब्जेक्ट के फौरन बाद और वर्ब से पहले यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो, तो फिर ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में यूज होता है। तीनों सेंटेंस, आखिरी वाले तीनों सेंटेंसेस में आप देखें जरा, इज हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे में डिड हेल्पिंग वर्ब है, तीसरे में हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको समझ आ रही है बात?
ओके अभी ये तो आ गया वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का, यानी अगर सिर्फ वर्ब हो तो उससे पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होता है, ठीक है, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अभी ये जो अभी हमने जो पढ़े हैं यूज टू और हैड टू, अभी तीसरा पॉइंट ये लिख लें, अगर यूज टू और हैड टू हो तो हम उनसे पहले लगाते हैं। हम देखिए अगर हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर तो आप उसके बाद लगाएंगे जो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हैड हेल्पिंग वर्ब और चीज है और हैड टू और चीज है। आप एक सेंटेंस अगर वैसे लिखें यहां पे, आप दो सेंटेंस लिखें आपको बहुत क्लियर होगा, फिर दो सेंटेंसेस लिखें, आप पहला सेंटेंस लिखें आई हैड ऑलवेज अटेंडेड, आई हैड ऑलवेज अटेंडेड ऑफिशियल मीटिंग्स, आई हैड ऑलवेज अटेंडेड ऑफिशियल मीटिंग्स। अच्छा दूसरा सेंटेंस लिखें, आई ऑलवेज हैड टू अटेंड ऑफिशियल मीटिंग्स, आई ऑलवेज हैड टू अटेंड ऑफिशियल मीटिंग्स। क्या फर्क है इसमें दोनों में? देखें एक में हमने हैड से पहले लगाया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरे में हमने हैड से बाद में लगाया, क्यों? एक में हमने पहले वाले में हेड के बाद लगाया, दूसरे में हेड से पहले लगाया। पहले वाले में हेड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे में हेड टू लगा हुआ है। अगर सिर्फ हेड हो तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद लगाएंगे, लेकिन अगर हेड टू होगा तो उससे पहले लगाएंगे। हेड टू और चीज है, और हेड अटेंडेड और चीज है, हेड टू अटेंड और चीज है, ठीक है। हेड टू अटेंड में आपका हेड टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। So, आप ये जहन में रखें कि हेल्पिंग वर्ब हैड और बात है और हैड टू और चीज है। हैड टू या यूज्ड टू जब भी आएगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप उससे पहले लगाएंगे। आई ऑलवेज हैड टू अटेंड, आई ऑलवेज यूज्ड टू अटेंड ऑफिशियल मीटिंग्स, जो भी हो सकता है, ठीक है। आई ऑलवेज हैड टू अटेंड ऑफिशियल मीटिंग्स, और इसका मीनिंग क्या होता है? आई ऑलवेज हैड टू अटेंड ऑफिशियल मीटिंग, और जो पहले वाला मैंने लिखा दोनों में फर्क है। आई हैड ऑलवेज अटेंडेड ऑफिशियल मीटिंग, मैंने हमेशा ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड की थी, और दूसरे का है आई ऑलवेज हैड टू अटेंड, मुझे हमेशा ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। हैड टू, हैज टू, हैव टू हम तब लगाते हैं जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़े, ठीक है। इस तरह से आगे क्या है, यूज टू का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? ये जो यूज टू लिखा हुआ है, जैसे यूज टू होता है आपका पास्ट की हैबिट्स के लिए। माजी में कोई काम अगर आप बार बार करते रहे हैं, पास्ट की हैबिट है कोई, तो उसके लिए यूज टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, दे यूज टू ऑलवेज क्वरल, नहीं बल्कि इसमें दे ऑलवेज यूज टू क्वरल, ये जो है नंबर सी आएगा, और ऊपर वाले में दे ऑफन हैड टू गो टू हाई कोर्ट नंबर बी आएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, आगे चलते हैं, बहुत टाइम लगा दिया हमने इसको। आई रिकमेंड दैट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई इसको दो, इसमें दो ऑप्शन सही हैं। आई रिकमेंड दैट, आई सजेस्ट दैट, आई प्रपोज दैट, पहला इसमें ये सही होगा, आई रिकमेंड दैट ही शुड गो डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल, ये भी सही है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये सही है, और ज्यादा कॉमन ये यूज होता है। आई रिकमेंड दैट ही शुड, रिकमेंड के पास शुड भी लगाते हैं, ठीक है। जो तीसरा और चौथा है, आई रिकमेंड दैट, अच्छा फर्स्ट वाले को पहले देखें, आई रिकमेंड दैट ही गोज, गोज नहीं आएगा, फिर रिकमेंड, आई रिकमेंड, आई सजेस्ट, आई प्रपोज के बाद जब हम इसको हम कहते हैं सब्जंक्टिव मोड लगता है, सब्जंक्टिव मोड में ये होता है कि एस आई एस वेर, आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ कोई एस आई एस नहीं लगेगा किसी सूरत में भी, चाहे एक नाम हो चाहे ही शीट हो, यानी इसका ये सही होगा, ही गोज नहीं होगा। I recommend that he go directly to the principal. या तो ये होगा
ये भी सही है, आई रेकमेंड दैट ही वेंट डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल, ये भी हो सकता है। पहले वाले को हम गो वाले को हम कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव, दूसरे वाले को हम कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। सो रेकमेंड दैट, सजेस्ट दैट, प्रपोज दैट, इवन एडवाइज दैट, इन सब के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप शुड और फर्स्ट फॉर्म लगाएं, या आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव लगाएं, या पास्ट सब्जंक्टिव लगाएं। अच्छा, सब्जंक्टिव मूड के बारे में हम आगे जाके सही तरह से पढ़ेंगे। मूड के तीन मूड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, सब्जंक्टिव मूड होता है, एक इंपेरेटिव मूड होता है, एक इंडिकेटिव होता है, तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें आप ये समझ लें कि इन चारों के बाद हम रिकमेंड, सजेस्ट, प्रपोज, एडवाइस वगैरह के बाद हम या तो शुड वाला स्ट्रक्चर, आपको पता है शुड, आप ये एक ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, या आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस आई एस नहीं लगाएंगे, या आप सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, आई फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई रिकमेंड दैट ही अटेंड द मीटिंग, ही अटेंड्स द मीटिंग नहीं मैं कहूंगा, या आई रिकमेंड दैट ही अटेंडेड द मीटिंग, ये भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। I recommend that he should attend the meeting. ये भी सही है, ये तो आपको आता होगा he should वाला, लेकिन जो जो दूसरा है attend या he attended, ये आपको नहीं पता होगा, दो स्ट्रक्चर आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सही है, मैंने आपको पहले लिखवाए हैं वैसे ये तीन स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, he was not feeling very well, he was not feeling far good, he was not feeling very much well. अच्छा देखें, he was not feeling good नहीं होता, feel आपका adverb है, feeling आपका सॉरी वर्ब है फीलिंग, तो फीलिंग के बाद आपका क्या आएगा, वेल आएगा। आई एम फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम गुड हो सकता है, लेकिन आई एम फीलिंग गुड नहीं हो सकता, आई एम फीलिंग वेल। फील आपका वर्ब है, वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता, गुड एडजेक्टिव है। सो इसमें कौन सा सही होगा, आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल, वेरी मच वेल नहीं हो सकता, क्योंकि वेल आपकी पहली डिग्री है, पहली डिग्री से पहले हम वेरी लगाते हैं, मच नहीं लगा सकते, ये हमने पढ़ा है, यानी वेरी गुड, मच बेटर, जैसे यूं होता है ना, तो वेरी वेल होगा, वेरी मच वेल नहीं हो सकता। ठीक है, और गुड आ ही नहीं सकता, गुड एडजेक्टिव है। आगे देखें, द ओल्ड वुमन डाइड एट द एज ऑफ 86 यस्टरडे, क्या सही होगा इसमें। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, दो है, एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब फ्रेज है। जो आपका yesterday है ये adverb है, at the age of 86 ये phrase है। पहले आप adverb लगाते हैं, फिर आप phrase लगाते हैं, और अगर clause हो तो उसके बाद तरतीब भी होती है, पहले adverb, फिर adverb phrase, फिर adverb clause। तो पहले छोटी चीज लगती है, yesterday पहले आएगा, at the age of 86 से बाद में आएगा। ठीक है, तो इसे हम यूं लगाएंगे, the old man died yesterday at the age of 86। ठीक है, यूं सही होगा। और has died yesterday क्यों नहीं करेंगे, जब पास्ट के अंदर कोई टाइम मेंशन हो जाए, लाइक yesterday, टुडे मॉर्निंग, लास्ट ईयर, इन 86, तो हम फिर सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, हम यू फॉर एग्जांपल, ही केम yesterday, ही हैज कम yesterday नहीं करेंगे हम। हमने टेंसेज आगे जाके पढ़ने हैं, तीन दिन रखे हमने टेंसेज के लिए, लेकिन वैसे मैं आपको शॉर्टली बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही, फॉर एग्जाम्पल आप, ही शिफ्टेड टू दिस सिटी इन 2010, अगर 2010 आपने जिक्र कर दिया तो फिर आप यही शिफ्टेड टू दिस सिटी इन 2018, फिर आप शिफ्टेड सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आप यू नहीं कह सकते ही हैज शिफ्टेड टू दिस सिटी इन 2018, अगर आपने 2018 मेंशन कर दिया या यस्टरडे मेंशन कर दिया पास का टाइम, तो फिर उसमें आप इसके लिए यू हैज नहीं लगाएंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, सेकंड फॉर्म का। ठीक है, सो ही डाइड यस्टरडे होता है, ही हैज डाइड यस्टरडे नहीं होता। आगे चलें जी, मैं एंड पे आपसे पूछूंगा, अगर आपको क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लें। द बॉस स्पोक एलोक्वेंटली एट द मीटिंग लास्ट वीक। अच्छा, अभी इसमें तीन एडवर्ब्स हैं, तीन तरह के, मैनर, प्लेस, टाइम, तीन एडवर्ब्स हैं आपके। आप याद रख ले, अगर तीन एडवर्ब्स इकट्ठे आ रहे हो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम, तो फिर हम उसको एमपीटी, उसकी तरतीब होती है एमपीटी, लिख लें, मैनर पहले, फिर प्लेस, फिर टाइम। सो कौन सा सही होगा, एलोक्वेंटली मैनर है, एट द मीटिंग प्लेस है, लास्ट वीक टाइम है, तो पहले वाला ही सही होगा, द बॉस स्पोक एलोक्वेंटली एट द मीटिंग लास्ट वीक। इसकी बाकी कोई भी तरतीब करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों,
एडवर्ब ऑफ मैनर पहले होता है, फिर प्लेस होता है, फिर टाइम होता है. मैनर प्लेस टाइम एमपीटी, ये रूल होता है. आगे चलते हैं, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा है. फिर आपको जिसको कुछ पूछना हो दोबारा मुझसे एंड पे पूछ लीजिएगा. द रोजेज ऑफ दिस वेल केयर्ड गार्डन स्मेल स्वीटली. अच्छा, स्मेल के बाद स्वीट आएगा, आखिरी वाला सही है. क्यों? स्वीटली आपका एडवर्ब है और स्वीट आपका एडजेक्टिव है. आमतौर पर बेसिक रूल ये है कि हम वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, एडजेक्टिव नहीं लगाते. लेकिन जो एडवर्ब, जो वर्ब ऑफ सेंसेस होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, फील एटसेट्रा, ये जो टच, वर्ब ऑफ सेंसेस जो होते हैं, इनके बाद हम एडवर्ब नहीं लगाते, हम एडजेक्टिव लगाते हैं. सो स्मेल स्वीटली नहीं होगा, स्मेल वर्ब है, वर्ब के बाद हम ही सेंग स्वीटली होगा. सेंग क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद स्वीटली आएगा. ही सेंग स्वीट नहीं हो सकता, ही सेंग स्वीटली. लेकिन ही द फ्लावर स्मेल स्वीट, नॉट स्वीटली. क्यों? सेंग एक एक्शन वर्ब है, उसके बाद स्वीटली आएगा. लेकिन जो वर्ब ऑफ सेंसेस है स्मेल, इसके बाद स्वीटली नहीं आ सकता, स्वीट आएगा. ठीक है. सो याद ये रखना है कि हमेशा एडवर्ब के बाद वैसे हम एडवर्ब लगाते हैं, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब नहीं, हम एडजेक्टिव लगाते हैं. ठीक है. लास्ट आ गया आपका, दो तीन आपके रह गए हैं, एमसीक्यू भी हम कर लेते हैं. पांच है. माय फादर सेड टू मी टू टर्न द लाइट ऑफ. इसमें सिर्फ ये है, इसमें उस रूल ही आपको बताया हुआ है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्रेज को स्प्लिट ना करें, इन्फिनिटिव को स्प्लिट ना करें. किस तरह से स्प्लिट ना करें? एक हो सकता है टर्न द लाइट ऑफ या टर्न ऑफ द लाइट. जो वैसे टर्न द लाइट ऑफ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा रूल्स को देखते हैं, तो अगर ज्यादा फॉर्मल जो रूल्स होते हैं उसको आप देखें, तो फिर टर्न ऑफ को इकट्ठा करना चाहिए, टर्न और ऑफ को अलग अलग नहीं करना चाहिए. ठीक है. टर्न द लाइट ऑफ नहीं, टर्न ऑफ द लाइट. अगर आप टर्न द लाइट ऑफ करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा ना. टू टर्न अलग रह गया, ऑफ अलग रह गया, दरमियान में लाइट आ गया. सो आप इसको स्प्लिट ना करें. ठीक हो गया जी. एक रूल यह है कि आपको इन्फिनेटिव को इस तरह से आपको फ्रेज को स्प्लिट नहीं करना चाहिए. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? द रिजल्ट हैज प्रूवन हिम कैपेबल इनफ फॉर दिस कैटेगरी. अच्छा, ठीक है, कैपेबल इनफ सही है, इनफ कैपेबल नहीं हो सकता. आपको पता है कैपेबल एक एडजेक्टिव है. हमने पढ़ा था कि कैपेबल या एबल या कोई भी है, इंटेलिजेंट हो गया, कैपेबल हो गया, एबल हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है. अच्छा, मैं अभी ये कर रहा था, कौन सा वाला हम देख रहे थे? माय फादर सेड टू मी टू टर्न ऑफ. तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इसमें इन्फिनिटिव को आपने स्प्लिट नहीं करना. करते खैर, इतना बड़ी गलती कंसीडर नहीं होती है, लेकिन अगर आपने बहुत फॉर्मल रूल्स देखने हैं तो फिर आप इसको स्प्लिट ना करें तो बेहतर बात है. कुछ लोग कहते हैं स्प्लिट कर लें तो खैर है, लेकिन वो कोई ऐसे खैर वाली बात, कुछ कोई हो सकता है कोई ऐसा भी आ जाए जो आपको ये कहे कि ये स्प्लिट आपको नहीं करना चाहिए, वो माइंड करे कोई बंदा, ऐसा भी हो सकता है. तो इसलिए बेहतर ये होता है, बेहतर कि आप रिस्क ना लें और आप इसको स्प्लिट ना करें. ही टर्न ऑफ द लाइट ज्यादा बेहतर है, ही टर्न द लाइट ऑफ, या स्विच द टीवी ऑन से बेहतर है स्विच ऑन द टीवी, यूं यूज करें. ठीक है, ये बात समझ आई आपको? जी सर. ओके, आगे चलते हैं. कैपेबल इनफ वाला भी हमने कर लिया. सॉरी, हम कैपेबल इनफ कर रहे थे. देखें, अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कैपेबल इनफ है? अभी यहां पे आ गया, आपको ये सोचना है कि कैपेबल से पहले लगेगा इनफ या बाद में लगेगा. इसके लिए बाद में लगेगा, फाइन. लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैपेबल एक एडजेक्टिव है, तब बाद में लगेगा. आपको कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है? इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, आप ऐसा करें कि इस कैपेबल को किसी नाउन के साथ लगा के देखें, नाउन से पहले यूज करके देखें. अगर तो ये हो जाता है तो इट मीन्स एडजेक्टिव है. यानी आप कैपेबल को किसी नाउन से कैसे, आप क्या सकते हैं, कैपेबल पर्सन, कैपेबल कोई और बंदे के साथ लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैपेबल गर्ल आप लगा, तो अगर लग सकता है ना, कैपेबल पर्सन भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, सो गर्ल और पर्सन से पहले लग सकता है अगर कैपेबल, इट मीन्स कंफर्म हो गया आपको कि ये एक एडजेक्टिव. ठीक है,
लाइक कैपेबल हो, एबल हो, इंटेलिजेंट हो, इफेक्टिव हो, ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, इन सब के बाद में लगेगा इनफ, इनसे पहले नहीं लग सकता। और क्यों लगेगा? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद लगता है हमेशा और नाउन से पहले लगता है इनफ, ठीक है। सो आप इनफ को यूज करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे इनफ वाटर होगा, वाटर इनफ नहीं होगा, वाटर क्योंकि नाउन है, एडजेक्टिव नहीं। तो यहाँ पे कैपेबल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद में लगता है इनफ, तो हम यहाँ पे कैपेबल इनफ करेंगे, फर्स्ट वाला सही होगा। आगे चलते हैं जी, लास्ट वाले में क्या गलती है? कैपेबल, अच्छा प्रेपोजिशंस भी होती हैं, कैपेबल टू नहीं होता, कैपेबल फॉर होता है, ठीक है। हमेशा कैपेबल फॉर होता है, कैपेबल टू होता ही नहीं है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। डू नॉट ड्राइव टू मच फास्टली, अच्छा फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं है, पहली बात ये याद रखें। फास्ट ही, एडजेक्टिव भी फास्ट होता है, एडवर्ब भी फास्ट ही होता है, फास्टली वर्ड ही नहीं है। अच्छा अभी ये देखना है कि हमने डोंट ड्राइव टू मच फास्ट, टू मच फास्ट नहीं होगा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, डोंट ड्राइव टू फास्ट, ठीक है। क्या होगा, डोंट ड्राइव टू फास्ट, ये इसमें सही है, टू मैनी फास्ट भी नहीं होता, टू मच, मच टू यूज होता है, लेकिन मच टू का इस्तेमाल मैंने आपको मेरे ख्याल में नहीं बताया, चले हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे मच टू कैसे यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप सिर्फ इतना याद रख लें कि वेरी मच हो सकता है लेकिन टू मच नहीं, मच टू होता है, लेकिन वो कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। यहां पे बरल डोंट ड्राइव टू फास्ट होगा, टू मच फास्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ही एक्सप्रेस हिज व्यू पॉइंट क्लियरली, फोर्सफुली एंड कॉन्जेंटली। अच्छा जी, इसके अंदर वो आपको क्या बताना चाह रहा है बेसिकली, इस सेंटेंस के अंदर बाकी तीन पढ़े जरा क्या समझ आ रही है आपको, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर, फोर्सफुली एंड कॉन्जेंटली। आप ये तीनों पढ़े, आप मुझे ये बताएं कि इसमें वो पूछना आपसे क्या चाह रहा है, एक दफा पढ़े जरा फर्क तीनों में क्या है। जी कुछ समझ आ रही है आपको? हेलो सर, वर्ब ऑफ सेंसेस जो अपने पीछे बताया व्यू पॉइंट, ये पॉइंट अभी हमने असल में डिस्कस ही नहीं किया, मैं दोबारा मैं बता देता हूं। एक्सप्रेस वर्ब ऑफ सेंसेस है, क्लियरली फोर्सफुल एंड कॉन्जेंटली। देखिए ना, एक अगर आप एडवर्ब लगा रहे हैं तो आप तीनों एडवर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाएंगे, तीनों एडजेक्टिव नहीं, तीनों यहां पे एडवर्ब आएंगे। देखें, ही एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड वर्ब है, वर्ब के बाद आगे अगर एडवर्ब्स आ रही हैं तो तीनों एडवर्ब ही होंगे। फिर देखो, पहले सेंटेंस में क्लियरली एडवर्ब लगा लिया, कॉन्जेंटली एडवर्ब लगा लिया, लेकिन फोर्सफुल बीच में कर दिया, ये एडजेक्टिव है। So, दूसरे वाले में क्लियरली फोर्सफुली दोनों एडवर्ब हैं और कॉन्जेंट एडजेक्टिव है, तीनों एडजेक्टिव लगेंगे, तीनों एडजेक्टिव किस में है, तीसरे वाले में, क्लियरली फोर्सफुली कॉन्जेंटली। कॉन्जेंटली का मतलब होता है कन्विंसिंगली, यानी वो बात वो फोर्सफुली आप फोर्सिबली आप कह सकते हैं। कॉन्जेंटली का मतलब ये होता है कि इस तरीके से बात करेंगे अगला बंदा कन्विंस हो जाए, ठीक है, कन्विंसिंगली, अच्छे तरह से आर्गूमेंट करके। So, ये तीनों एडवर्ब हैं, तो इसके बाद आपका तीनों एडवर्ब यूज होंगे, एक एडजेक्टिव भी, देखा वर्ब के बाद एडवर्ब है ना, एक्सप्रेस्ड वर्ब है, इसके बाद आने वाले एडवर्ब हैं, तो तीनों एडवर्ब यूज होंगे, एक बीच में एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये गलती है इसमें। आगे क्या है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज टू हॉट, अच्छा इसमें क्या है, कौन सा सही होगा सर? टू तो नेगेटिव सेंस में जाता है। हाँ, तो टू कोई चीज जो प्रॉब्लमेटिक हो उसके लिए हम टू यूज करते हैं, प्रॉब्लम अगर हो तो यहाँ पे टू हॉट डे ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि गर्मी, आप गर्मी की,
जो अच्छी चीज है वो पॉजिटिव चीज अगर ज्यादा हो तो वेरी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली इट इज वेरी हॉट टुडे भी सही होता, मतलब वो सही है नॉर्मली, लेकिन टू हॉट टुडे ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि आप एक प्रॉब्लम बयान कर रहे हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप कहते हैं इट इज टू हॉट टुडे। वेरी हॉट सिर्फ एक फैक्ट को बयान करता है, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि आज काफी ज्यादा गर्मी है, जैसे खबरें सुनाने वाले सुना रहे होते कि आज इतनी गर्मी है, आज टेम्परेचर इतना है, ये एक स्टेटमेंट देना उसके लिए वेरी लगता है। लेकिन अगर आप ये बयान करना चाहते हैं किसी को, वैसे में जैसे में कहते यार आज बहुत ज्यादा गर्मी है, नाउ यू आर एक्सप्रेसिंग अ प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए टू लगाए, वेरी ना लगाए। वेरी सिर्फ फैक्ट बयान करता है कि आज ज्यादा गर्मी है, इसका मतलब आपको कोई उससे मसला नहीं हो रहा, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि बस ज्यादा गर्मी है आज, कल कम थी आज ज्यादा है, तो उसके लिए वेरी लगेगा। लेकिन नॉर्मली जब हम ये कहते हैं कि बहुत गर्मी है आज, तो हम एक अपना मसला बयान कर रहे होते हैं, तो जब कोई मसला हो, कोई चीज प्रॉब्लमेटिक हो, तो उसके लिए टू लगाते हैं, वेरी नहीं लगाते, बेहतर ही होता है, ठीक है। तो इट इज टू हॉट टुडे, ये मतलब है, ये इसमें ज्यादा बेहतर है, इट इज वेरी हॉट, ठीक है। ग्रामेटिकली दोनों गलत नहीं है, वेरी हॉट टुडे भी सही है, लेकिन हॉट गर्मी होना क्योंकि एक प्रॉब्लम है, इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसके साथ टू हॉट लगाए, यानी कोई मसला, कोई चीज मसला हो तो उसके लिए वेरी के बजाय आप टू लगाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही राइट्स वेरी स्लोली और ही राइट्स टू स्लोली, दोनों में फर्क क्या है? आप एक में सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि बंदा आहिस्ता लिखता, आपको उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में है, आप कहते हैं यू राइट टू स्लोली, एक बंदे को आप कह रहे हैं कि यार ये मसला है भाई आपका, आप बहुत स्लो लिखते हो, आपको अगर वो चीज मसला लग रही है तो बेसिकली तो मसला ही होता है ना। आप किसी स्टूडेंट को कहते हो तो आप क्या कहेंगे? यू राइट टू स्लोली, ये स्लो, बहुत स्लो लिखने को आप एक प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, जाहिर सी बात है। सो जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए टू लगेगा, प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए वेरी लगेगा, ठीक है। ओके, लास्ट वाला क्या है? She not only was competent but also friendly nature. She competent but friendly, but friendly also in nature. नहीं, ये भी गलत है। She not only, अच्छा इसमें बेहतर ये होता है not only but also, जिन दो चीजों के दरमियान आप दो क्वालिटीज का या दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं ना, आप उनके करीब करीब लगाए नॉट ओनली बट आल्सो को, आप किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्पिटेंट और फ्रेंडली, तो इन दोनों के साथ साथ लगाएंगे नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट आल्सो फ्रेंडली, ठीक है। क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं ना सिर्फ, आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, वो ना सिर्फ कॉम्पिटेंट है बल्कि फ्रेंडली भी है। तो कॉम्पिटेंट और फ्रेंडली दो क्वालिटीज आप बयान कर रहे हैं, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आप इनके करीब तरीन इस्तेमाल करेंगे जिन दो को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। शी वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो फ्रेंडली, लास्ट वाला ये स्ट्रक्चर आपका यूज होगा। ये बात समझ आई आपको? जी सर, आगे ये आप इसको इस तरह से याद रख लें, जो आपका बी वाला है उसको भी अगर हम आगे वाले हिस्से को सही करें, पहले वाला सही है, दूसरे वाले में बी वाले में इन्वर्जन हुई है, इन्वर्जन जो होती है उसका रूल थोड़ा सा फिर आगे गलत किया हो उसने, तो इन्वर्जन हमने थोड़ा सा पढ़ा था इन्वर्जन के बारे में, हम कंजंक्शंस में जाके इनके बारे में दोबारा पढ़ेंगे, कंजंक्शंस का हमारा टॉपिक है ना, कंजंक्शन में ये सारे इस्तेमाल होंगे। आपकी राइटिंग में कंजंक्शंस का बड़ा इस्तेमाल होता है, कंजंक्शन में आपके ये सारे आएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली और हार्डली, स्कार्सली और वेन लगता है पेयर्स में, नो सोनर के साथ टी एच एन देन लगता है, सो के साथ सो भी लगता है, सो के साथ एज भी लगता है, सच दैट, सच एज, ये काफी सारे कंजंक्शन है जो हम आगे जाके कंजंक्शन का टॉपिक पूरा होगा ही यही उसमें हम पढ़ेंगे। इनका इस्तेमाल सही आना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपको लंबे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं तो आपको कंजंक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं बीच में, ठीक है। बहरहाल फिलहाल आप ये फोर्थ वाला इसमें इतना सिर्फ बात याद रख लें कि जिन दो चीजों को लिए आप जिक्र कर रहे हैं कि ना सिर्फ कॉम्पिटेंट बल्कि वो फ्रेंडली भी है, तो उन दोनों के करीब तरीन रखें जिसको वो क्वालिफाई कर रही है, ठीक है।
ठीक है ओके जी, एनी क्वेश्चन इससे पिछले वाले भी, अगर आपने कोई क्वेश्चन इनमें से पूछना है तो मुझे बताएं। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टू मच वर्ड नहीं होता, तो जो